और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए किस तरह के हालात हैं, और जामिया में जिस शख्स ने गोली चलाई है उसका नाम गोपाल है। सोचिए पहले कपिल जो मिश्रा है, जो कैंडिडेट है यहाँ बीजेपी का, वो कह रहा था गोली मारो सालों को। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, उसके बाद एक और सांसद है दिल्ली के, उनके राम प्रवेश वर्मा, वो कहते हैं। अमित शाह की रैली में एक छात्र विरोध करता है और उसकी पिटाई होती है और भारत माता की जय होता है। आप सोचिए SC ST का आंदोलन हो, गोली चलाओ, मुसलमानों का आंदोलन हो, गोली चलाओ। और अब तो साफ साफ है, आज 30 जनवरी है, आज ही के दिन गांधी की हत्या हुई थी और गोडसे के मानने वाले ने जिस तरह से गोली चलाई है, क्या लग रहा है आप लोग? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो उनकी यही फितरत है, उनकी यही सच्चाई है, और वो लगातार इसी तरह से हमलावर रहे हैं और उसके निशाने पर हमेशा SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रहे हैं। इस देश में रोज़ रैली, धरना, प्रदर्शन होता है। अरविंद केजरीवाल, आप अगर सवर्ण हैं तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, अपनी मांगें मान सकते हैं। अभी मैं एक जंतर मंतर पर था, बैंक कर्मचारी जो सवर्ण समाज में ज़्यादा थे, उनका प्रदर्शन चल रहा था, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं तो किस तरह के हालात हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जिस तरह से दीपक चौरसिया और सुधीर कह रहे थे कि हमारे साथ हमला हुआ, मेरे साथ कई बार हमला हुआ है, आपकी हिम्मत नहीं है इस देश में कि आप SC ST OBC माइनॉरिटी की अगर कोई प्रदर्शन है, धरना है, तो उसके विरोध में बोलेंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। लेकिन अगर आप उसी तरह से सवर्ण समाज के कोई प्रोटेस्ट है, RSS का हो, BJP का हो, हिंदू सेना का हो, वहाँ चारों तरफ से आपको घेर लिया जाता है, आप पर हमले होते हैं। और अब तो खुलेआम गोली चलने लगी है। विनोद कापरी ने उस शख्स का पोस्टर शेयर किया है कि किस तरह से वो शख्स जो है, वो सरेआम जो है, इस तरह से गोलीबारी कर रहा था, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको चलते चलते। और आप सोचिए कि आज के डेट में आप बात नहीं कर सकते हैं, किस तरह से RSS की आइडियोलॉजी वाले लोग, भगवा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, और आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट रुक के, ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, अब तो आप धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मुझे रोज़ गालियाँ इसी तरह से मिलती है, और जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में गोली चल रही है, जिस तरह से पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, अभी मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह से योगेंद्र यादव ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था, ह्यूमन चेन बना रहे थे, उनको किस तरह से डिटेन किया गया। तो जो भी विरोध में है सरकार के, उन सबको डिटेन किया जा रहा है, और जो भी सरकार के पक्ष में है वो गोली चला रहे हैं, उसके बाद भी सेफ है। सोचिए सरजिल को पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसी जामिया JNU में डंडा चलाने वाले, मारने पीटने वालों की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। तो इससे साफ है कि किस तरह के हालात हो गए हैं, और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इससे क्या कहेंगे आप लोग? मैं तो इसे आतंकवादी कहूँगा, जो सरेआम गोली मार रहा है, जो डर भी नहीं रहा है। आतंकवादी भी प्लांट करता है, बम प्लांट करता है, वो भी किसी के चोरी से, छुपी से चोरी करके, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरह से सरेआम गोली चला रहे हैं और पुलिस उनकी रक्षक है? इसका मतलब है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर हैं, ये जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस देश का संविधान जो है वो खतरे में है, और जिस तरह के हालात हो गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि दिन दहाड़े एक लड़का आता है, फायरिंग करता है, ये ताकत कहाँ से मिलती होगी? क्योंकि जिस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। वो जिस तरह से, सोचिए कि उस गोलीकांड को अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक TV ने पहले चलाया खबर, ये प्रोटेस्टर्स हैं जो हिंसक हो गए हैं, तो सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। मैं साइन बाग भी गया हूँ, वहाँ से मैंने कुछ रिपोर्ट्स लाए हैं कि क्यों लोग नाराज हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस देश में कुछ भी नहीं बचा है, अब मौका है। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट नहीं हुए हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब चंद लोग पुलिस के बल पर, गोली बंदूक के बल पर आपको गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और कितना डराने की कोशिश है, डरावना कोशिश है, और बहुत मुश्किल वक्त से है। और ये साफ समझ लीजिए कि अमित शाह की जो पूरी आइडियोलॉजी है, नरेंद्र मोदी की जो पूरी आइडियोलॉजी है, RSS की जो पूरी आइडियोलॉजी है, हिंदुत्ववाद की जो पूरी आइडियोलॉजी है, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, मनुवाद की जो पूरी आइडियोलॉजी है, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो जैन हो, वो कहीं नहीं ठहरते। यहाँ तक कि किसान जातियाँ, देखिए किस तरह से हार्दिक पटेल को परेशान किया जा रहा है। तो मैं फिर वही लाइन दोहराता हूँ कि अगर आप BJP और RSS के समर्थक नहीं हैं,
तो आप भले सवर्ण हो तो भी आप हिंदू नहीं हैं, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की तो औकात ही क्या है। जिस एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को लगता है कि वो हिंदू हैं, वो अपनी जाति के नाम से एक दुकान खोल के दिखाएं, और तब पता चलेगा कि जो ब्राह्मणवाद जातिवाद मनुवाद है वो किस तरह से उनसे नफरत करता है। जामिया में जिस तरह से गोली चली है, ये साफ जाहिर है कि सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। और अब वक्त आ गया है कि संविधान बचाइए, और वोट से आए थे इनको वोट से ही बाहर निकालना पड़ेगा। आप लोग की क्या राय है, आप लोग को क्या लगता है कि क्या ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या सच में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है? हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ कोई किसी को गोली मार सकता है, कानून व्यवस्था सब पंगु है, और क्या ये देश जो है अमित शाह मोदी और आरएसएस का गुलाम बन गया है? आपकी क्या राय है जरूर हमें बताएं, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।